आज का ये टॉपिक है क्लास 11 का डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस, अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। एम आई क्लियर? अब अगर आप आईसीएसई के स्टूडेंट हो तो जूनियर क्लास में भी आप सेट्स को पढ़ चुके हो, लेकिन सीबीएसई में ये तो सेट्स नहीं है। तो फिर ध्यान से समझिए, सीबीएसई वाले और आईसीएसई वाले दोनों ही बढ़िया से समझिए। मैं जितना हो सके मैं उतनी अच्छी तरह से कन्विंस करने का कोशिश करूंगा। अब देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सपोज कि ये ए एक सेट है, दैट इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये इसके मेंबर है। और बी एक दूसरा सेट है जिसका मेंबर है 3, 4, 5। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट यानी ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सब्ट्रैक्शन ऑफ बी, सब्ट्रैक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, यानी ए में से बी को घटाना है। ए बी क्या है आपका, देखिए 3, 3, 4, 4, 5, 5, रिमेनिंग किस में बचेगा? ए में। तो ये आया आपका कितना, 1, 2, दिस इज योर ए माइनस बी, दिस इज योर ए माइनस बी। सेट थ्योरी में, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए यहां पर x सच दैट, ये 1 और 2 किसका मेंबर है? आप लोग बोलो किसका मेंबर है? सेट ए का है कि नहीं? सेट ए का मेंबर है। तो x सच दैट x बिलोंग्स टू ए बट x does not belong to, x does not belong to b, ये डेफिनेशन हुआ a माइनस b का। यानी x वैसा है जो a में है लेकिन b में नहीं है। a माइनस b इज इक्वल टू x such that x belongs to a but x does not belong to b। ए माइनस बी का वही मेंबर है जो ए में है लेकिन वो बी में नहीं है, तभी वो ए माइनस बी कहलाया है। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम से देखने का कोशिश करें तो वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूनिवर्सल सेट का एक रेक्टेंगल बनाना होगा और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट देना होगा। अब दो सेट का डिफरेंस निकाल रहे हैं, एक सेट मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, दिस इज योर सेट ए एंड दिस इज योर बी। ए का मेंबर कौन कौन है देखिए, 3, 4 एंड 5, ये कॉमन एलिमेंट है। तो यहां पर लिखिए 3, 4 एंड 5, बचा ए में 1 एंड 2, और क्या है B का मेंबर है 3, 4, 5 और इधर कुछ नहीं। अब ध्यान से देखिए, A माइनस B में क्या है, A माइनस B 1, 2, तो 1, 2 कहां पर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है आपका A माइनस B। इसी वेन डायग्राम से हम लिख सकते हैं A माइनस B इज इक्वल टू व्हाट, ए माइनस बी कौन है, ओनली ए है, ओनली, ओनली ए कैसे मिलता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि बी में से ए को माइनस कीजिए, बी में से ए को माइनस कीजिए, तब जस्ट हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, दिस इज योर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।